हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास अकाउंट्स। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी, और जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स। सो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स का, इसके बारे में अगर हम कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो आप सभी 11th क्लास में कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपनी क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने तरह की हो सकती है। एक बार फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। सो अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो अभी जो करंटली कंपनीज एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि 2013 में ये जो कंपनीज एक्ट है इसको पूरी तरह से अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1956 एक्ट था, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता था कंपनीज के ऊपर। सो ये हिस्ट्री है कंपनीज एक्ट की। अब अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कंपनी क्या होती है, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो करना होता है, और इसके अलावा अगर हमें कोई ये कंपनी ऑपरेट करनी है तो उसके ऑपरेशन के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सो इसको हम कैसे रीड करते हैं, सेक्शन 2 जो ब्रैकेट में होता है वो होता है सब सेक्शन। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग एक कंपनी क्या होती है, अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर दिस कंपनी लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो एक कंपनी वो कंपनी होती है जो एक कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, या तो ये जो अभी 2013 वाला है इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, या फिर इससे पहले जो थे उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। सो ये तो बात हुई लॉ की, ये लॉ क्या बोलता है, लेकिन अगर हम इन जनरल टर्म्स बात करें तो हम इसके फीचर्स से कंपनी का मतलब समझ सकते हैं। सो कंपनी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। सो एक अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन की क्या पहचान होती है कि वो एक नेचुरल पर्सन होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको कौन बनाता है, लॉ बनाता है। सो सबसे पहली हम बात करते हैं कि ये एक एंटिटी है जो लॉ बनाती है। सो यहां पे हम लिख देते हैं मेड बाय लॉ। सो यहां पे जब हम कंपनीज के मेकिंग की बात करते हैं तो यहां पे हम मेड का यूज नहीं करते, यहां पे हम यूज करते हैं वर्ड इनकॉर्पोरेटेड। सो यहां पे हम बोलते हैं कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसके अलावा एक जो कंपनी होती है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई पर्सन है वो एक कंपनी का ओनर है तो ओनरशिप इज अ डिफरेंट थिंग और कंपनी एक अलग चीज है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो रिलायंस की अगर हम बात करें तो इसके जो ओनर है दैट इज मुकेश अंबानी। सो कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि जो ये मुकेश अंबानी है इसकी एक सेपरेट एंटिटी है और रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस लिमिटेड जो है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। कुछ भी चीज मुकेश अंबानी के साथ होती है तो उसका रिलायंस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कुछ भी चीज रिलायंस के साथ होती है तो उसका मुकेश अंबानी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब देखिए अगर मुकेश अंबानी का कोई बैंक अकाउंट है और उससे उसको कुछ चीज कोई कैश या विड्रॉ कराना है या फिर कुछ भी कराना है तो वहां पे तो उसके साइन चल जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस का तो कोई साइन नहीं है क्योंकि वो तो कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है। सो कॉमन सील क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नेचर, एक फर्म का सिग्नेचर होता है, कंपनी का सिग्नेचर होता है जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं, और जहां पे भी कंपनी के साइन की जरूरत पड़ती है वहां पे इस सील को हम लगाते हैं। मतलब कंपनी कुछ भी चीज अगर करती है तो अगर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील कंपनी की जो है वो हमने नहीं लगाई है तो उस डॉक्यूमेंट को हम ये नहीं बोलेंगे कि इस कंपनी ने रिलीज किया है। तो इसीलिए यहां पे कॉमन सील होता है कंपनी का। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कि जो रिलायंस लिमिटेड है इसको मुकेश अंबानी ने नहीं बनाया था, इसको बनाया था धीरू भाई अंबानी ने जो मुकेश अंबानी के फादर थे। तो मुकेश अंबानी के जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, उनकी डेथ के बाद क्या रिलायंस लिमिटेड बंद हो गई, नहीं, आप देखते रिलायंस लिमिटेड आज भी चल रही है।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कंपनी जो होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। सो यहां पे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी की भी बात की थी कि जो एक कंपनी होती है उसकी अपनी एक अलग पहचान है और उसके जो ओनर है उसकी अलग पहचान है, तो इसीलिए ओनर के साथ कुछ भी हो जाए कंपनी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी से हमने ये पॉइंट डिराइव किया है कि कंपनी का जो सक्सेशन होता है वो परपेचुअल होता है, मतलब कि ओनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या फिर इनकेपेबल हो जाने से इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए रिलायंस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसकी जो ओनरशिप है वो मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन यहाँ पे जो इसके की मैनेजीरियल पर्सन होंगे, मतलब कि कोई फाइनेंस मैनेजर होगा, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगा, कोई सेल्स मैनेजर होगा जो इसके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कि मुकेश अंबानी के पास वो सारी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो एक कंपनी को चला सके। ऑलराइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कंपनी में ओनरशिप को और मैनेजमेंट को अलग अलग मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनर और मैनेजर्स दोनों हमेशा ही अलग हों, लेकिन जनरली हम यही देखते हैं कि ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है। अब ये जो मैनेजमेंट होती है इनको कौन सिलेक्ट करेगा, इसको ओनर ही सिलेक्ट करता है अपने हिसाब से कि भाई ये पर्सन मुझे ठीक लगता है अपनी कंपनी चलाने के लिए तो मैं इसको सीईओ बना देता हूँ, सीएफओ बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ओनरशिप अलग पर्सन के पास होती है और मैनेजमेंट अलग पर्सन के पास होता है। इसी के साथ साथ एक जो कंपनी होती है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि इन केस अगर कंपनी बंद हो जाती है, वैसे तो हम मानते हैं कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है वो चलती रहती है, और इवन हमने 11th क्लास में भी एक प्रिंसिपल स्टडी किया था गोइंग कंसर्न, जहां पे हम ये मानते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम इसको कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर बिजनेस कभी लॉस बनाने लग जाता है, प्रॉफिट हो नहीं रहे हैं, तो उसको बंद करना पड़ता है। तो उस केस में अगर कंपनी के पास इतने असेट्स नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, तो लिमिटेड लायबिलिटी में उसके जो ओनर है उनसे वो उतना ही पैसा मांग सकते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मुकेश अंबानी ने रिलायंस लिमिटेड के अंदर 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, मतलब कि जब इस कंपनी को डिसॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, उस टाइम पे मुकेश अंबानी को सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस तक ही देना पड़ेगा। अगर फिर भी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हुई है तो हम इसको स्यू नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अगेंस्ट एक और टर्म होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहां पे हम मानते हैं कि मुकेश अंबानी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो अगर इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी उस केस में अगर इनने 1000 रुपीज लगाए हैं और कंपनी की जो टोटल लायबिलिटी है वो मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपीज है, ऑलराइट, तो इस केस में अगर इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो इनको अपने प्राइवेट असेट्स जो हैं, मतलब कि जो इनके पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे इनकी इनका घर हो गया या फिर इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, इनको वो भी सेल करनी पड़ सकती है, तो इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी का ये फीचर होता है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो जनरली लिमिटेड होती है, कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कंपनी के अंदर करते हैं हमसे सिर्फ उतना ही मांगा जाएगा एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फिर भी कम पड़ जाता है तो वो हमसे नहीं मांगेंगे, वो कहां से लेंगे, वो हमारा हेडेक नहीं है, लेकिन हमसे वो नहीं मांग सकते हैं। सो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। सो ये सारे फीचर्स हैं कंपनी के। तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि कंपनी क्या होता है, तो आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन समझने के लिए आपको ये फीचर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कंपनी वो होती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉमन सील होता है,
perpetual succession होता है। यहाँ पे जो membership और ownership होती हैं दोनों separate होती हैं, और इसी के साथ साथ जो members होते हैं उनकी liability limited होती है। So ये थी company की definition। अब हम बात करते हैं types of company के according to companies act 2013 एक company कितनी तरह की हो सकती है या फिर हम कितनी तरह की companies को बना सकते हैं।